Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn about adverbs. Kriya Visheshan. Friends, comment box में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये adverb क्या है और इसका correct use क्या है. तो friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको adverb के बारे में बताऊंगा और साथ ही मैं आपको एक ऐसा trick बताऊंगा जिसके मदद से आपके sentences में एक से ज्यादा adverbs आए हों तो भी बड़े आसानी से आप उसको करेक्ट यूज कर पाएंगे. तो चलिए फिर सीखते हैं कि एडवर्ब्स का क्या यूज है और ये एडवर्ब्स होते क्या हैं. फ्रेंड्स, एडवर्ब्स को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. एडवर्ब हम उस वर्ड को कहते हैं जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता हो, साथ ही साथ कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता हो. यानी वो सब जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब कहते हैं, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब कहते हैं, या किसी एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है एडवर्ब कहते हैं. आइए फ्रेंड्स, अब देखिए कि एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं और अगर आपके सेंटेंसेस में एक से ज्यादा एडवर्ब हो तो ट्रिक से कैसे आप उसको शानदार तरीके से ट्रांसलेट कर पाए. फ्रेंड्स, एडवर्ब्स 5 तरह के होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं. पहला, एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर को हिंदी में ढंगवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. जिस एडवर्ब से किसी काम करने का ढंग का पता चले, यानी तौर तरीका का पता चले, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं. जैसे लेजली, फुलिशली, क्विकली, फास्ट, स्लोली, ऑनेस्टली, ब्रेवली. इन सभी शब्दों से काम करने का तरीका का पता चलता है. जैसे वह ईमानदारी से काम करता है, ही वर्क्स ऑनेस्टली. यहां उसके काम करने का ढंग का पता चला. तो ये सभी वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं. आइए फ्रेंड्स देखें कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है. वो एडवर्ब्स जिनसे स्थान का पता चलता है, यानी किसी जगह का पता चलता है, उसे हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं. जैसे हियर, देयर, अप, डाउन, नियर, इन, आउट. इन सभी वर्ड्स से स्थान यानी जगह का पता चलता है, इसलिए इन सभी वर्ड्स को एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. आइए फ्रेंड्स देखें कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है. एडवर्ब ऑफ टाइम को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. फ्रेंड्स, वह एडवर्ब जिससे टाइम का पता चलता हो उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. नाउ, देन, टुमारो, यस्टरडे, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी वर्ड्स से टाइम यानी वक्त का पता चलता है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. जिस एडवर्ब से फ्रीक्वेंसी का पता चलता है उसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जैसे ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, सेल्डम. ये सभी वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इन सभी से फ्रीक्वेंसी का पता चलता है. और आइए फ्रेंड्स आज का अंतिम वर्ड्स देखते हैं. एडवर्ब ऑफ डिग्री. उस एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं जिससे कम, ज्यादा या मात्रा का पता चले. जैसे थोड़ा, काफी, अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम अच्छा. ये सभी हिंदी के वर्ड्स एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं. आइए फ्रेंड्स अब सीखते हैं कि अगर आपके सेंटेंसेस में एक से ज्यादा एडवर्ब्स हैं तो कैसे आप उसे बड़े आसानी से यूज करें या उनको सही तरीके से लिख सकें. तो आइए एडवर्ब का ट्रिक जानते हैं. फ्रेंड्स, वह ट्रिक है कैसे, कहां, कब, यानी हाउ, वेयर एंड व्हेन. फ्रेंड्स,
आइए इसको ट्रांसलेट करें और देखें कि इसमें कितने एडवर्ब्स हैं और इनका करेक्ट यूज क्या है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैं अंग्रेजी ट्रिक से पढ़ाता हूं और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको दो ट्रिक जानना होगा और उनमें से एक ट्रिक था जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आए। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ नया बात जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है वह, तो हम लिखेंगे ही। पीछे आइए, खेला। खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, लेकिन जब बात गुजरी हो यानी पास्ट में हो तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखें कि एडवर्ब को कैसे यूज करना है। यह एडवर्ब ऑफ टाइम है। फाइनल में यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इससे जगह का पता चल रहा है। और यह एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी इससे ढंग का पता चल रहा है। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब मेन वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। अगर आपके सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं, यानी एडवर्ब का यूज आप वर्ब के बाद करेंगे। या अगर आपके सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का यूज करेंगे। कि यहां पर तीन एडवर्ब आए हुए हैं, पहला कल, दूसरा फाइनल में और तीसरा लाजवाब, और इनको कैसे यूज करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए तो आप कैसे बोलकर अपना मेन वर्ब बोलें, यानी अपना एक्शन वर्ड बोलें, आंसर में जो वर्ड आएगा उसे आपको पहले लिखना होगा। तो चलिए करके देखते हैं। वह कल फाइनल में लाजवाब खेला। कैसे खेला, यानी उसके खेलने का ढंग कैसा था, तो आंसर मिला लाजवाब, यानी उसके खेलने का अंदाज लाजवाब था, शानदार था। यानी हम सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखेंगे, यानी ढंगवाचक क्रिया विशेषण लिखेंगे। ब्रिलियंटली, यानी शानदार तरीके से, अद्भुत तरीके से, लाजवाब तरीके से। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ दो एडवर्ब्स हैं, अब किसको लिखें। तो दूसरे नंबर पे आता है कहाँ। आप कहाँ बोलकर अपना मेन वर्ब बोलें, आंसर में जो वर्ड आएगा आपको उसे ही लिखना होगा। कहाँ खेला, फाइनल में, तो आप लिखेंगे इन द फाइनल। इन द फाइनल यह एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद अगर आपको कुछ और लिखना बाकी है, यानी अभी आपके सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं हुए, तो आप कब बोलकर अपना मेन वर्ब बोलें, आपको कौन सा एडवर्ब लिखना है पता चल जाएगा। कब खेला, कल खेला, आप लिखेंगे यस्टरडे। अगर आपके सेंटेंसेस में एक से ज्यादा एडवर्ब हैं, तो वर्ब ऑफ मैनर लिखना है। दूसरे नंबर पर एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखना है, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिखना है। और तीसरे नंबर पर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम लिखना है, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण लिखना है। इसी बात को मैं ऐसे भी कहता हूं कि अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखिए, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आए। अगर आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, तो भी उसका यही आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। वह रोज रात में घर पर खेलते हुए गाना गाती है। चलिए फ्रेंड्स, इसको ट्रांसलेट करें और देखें कि इसमें एडवर्ब का क्या यूज है और हमें कैसे उसको एक एक करके यूज करना है। इतना तो हम जान चुके हैं कि एडवर्ब का यूज मेन वर्ब के बाद किया जाता है, या अगर आपके सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कोई सोचे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर मैंने एक खास वीडियो बनाया हुआ है और आपको वह वीडियो आई के सिंबल में मिल जाएगा। तो अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के यूज में कंफ्यूज रहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसको ट्रांसलेट करना है तो एक ट्रिक जो आप पहले से जानते हैं कि जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखिए,
फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आइए। अगर आप उस ट्रिक को यूज करेंगे तो आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा फोकस ट्रांसलेशन पर नहीं बल्कि एडवर्ब के यूज पर है कि अगर आपके सेंटेंसेस में एक से ज्यादा एडवर्ब्स हैं तो कैसे यूज करना है। जो वर्ड सबसे पहले फ्रेंड्स, आप उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए। लिखा है वह, आप लिखेंगे सी। पीछे आइए, सबसे लास्ट में लिखा होता है एक्शन वर्ड यानी काम। गाती है सिंग्स। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और मैं इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको पार्ट 6 में पढ़ाया। गाना, अ सॉन्ग। जो वर्ड सबसे पहले था मैंने उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा और यह वर्ड सब्जेक्ट होता है। जो वर्ड सबसे लास्ट में था मैंने उसका अंग्रेजी दूसरे नंबर पर लिखा और जो वर्ड लास्ट में होता है वह आमतौर पर वर्ब यानी एक्शन वर्ड होता है और हिंदी वाक्य में वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट आता है, कर्म आता है और अ सॉन्ग ये रहा ऑब्जेक्ट। अब रोज रात में यह एक एडवर्ब है, घर पर यह भी एडवर्ब है, खेलते हुए यह भी एडवर्ब है। रोज रात में यह एडवर्ब ऑफ टाइम है यानी कालवाचक क्रिया विशेषण है। घर पर यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और खेलते हुए यह एडवर्ब ऑफ मैनर है यानी ढंगवाचक क्रिया विशेषण है। तो फ्रेंड्स, कैसे यूज करना है, आप कैसे बोलकर अपना मेन वर्ब बोलें, तो कौन सा एडवर्ब पहले लिखना है आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे गाती है यानी उसके गाने का अंदाज क्या है, गाने का तरीका क्या है, तो उसके गाने का अंदाज है खेलते हुए, आप लिखेंगे प्लेइंग। जब किसी वर्ब में हुए लगा रहता है तो आमतौर पर हम उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं जिसे हम जीरण के नाम से भी जानते हैं। और पहले आई तो जब मैंने कैसे बोलकर अपना वर्ब बोला तो मुझे पता चल गया कि मुझे कौन सा वर्ड सबसे पहले लिखना चाहिए। अभी भी मेरे सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं है तो अगर हमें अभी भी कुछ लिखना है तो हम कहां बोलकर अपना मेन वर्ब बोलेंगे, आंसर में जो वर्ड आएगा हम उसका अंग्रेजी लिखेंगे। कहां गाती है यानी यहां जगह पूछा जा रहा है, स्थान पूछा जा रहा है, तो आपको यहां आंसर मिलेगा घर पर। कहां गाती है, घर पर गाती है, आप लिखेंगे एट होम। अगर आपके सेंटेंसेस अभी भी पूरा नहीं हुए तो फिर आप कब बोलकर अपना मेन वर्ब बोलिए, आंसर में जो वर्ड आएगा आपको उसका अंग्रेजी लिखना होगा। कब गाती है, रोज रात में गाती है यानी कब से टाइम का पता चलता है, वक्त का पता चलता है, तो आप लिखेंगे डेली एट नाइट। वह रोज रात में घर पर खेलते हुए गाना गाती है। She sings a song playing at home daily at night. और ये ट्रांसलेट हुआ। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसमें तीन एडवर्ब्स आए थे, रोज रात में, घर पर और मुस्कुराते हुए, और आपने उनको सही तरीके से यूज जाना। छोटा में फ्रेंड्स ऐसे कहा जा सकता है कि अगर आपके सेंटेंसेस में एक से ज्यादा एडवर्ब्स हैं तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा जाता है, दूसरे नंबर पर एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा जाता है यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिखी जाती है, और तीसरे नंबर पर एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा जाता है यानी कालवाचक क्रिया विशेषण लिखी जाती है। अगर आप इतना याद नहीं रख सकते हैं तो फिर आप इतना जानिए, जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखिए, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आए। अगर आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स तो बड़े आसानी से आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस नियम के एक्सेप्शन भी हैं यानी अपवाद भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं हेयर, देयर, बैक, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ये सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। इन सभी वर्ड्स का यूज एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद
अगर आपके सेंटेंसेस में कई एडवर्ब्स हों तो सबसे पहले आप एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे, उसके बाद आप एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे। लेकिन ये सभी वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले लिखे जाते हैं। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, ही वेंट अवे एंग्रीली। ये एंग्रीली क्या है? यह एक एडवर्ब ऑफ मैनर है और अवे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आया है और एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में लिखा गया है। ही वेंट देयर केयरफुली। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आया है और उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आया हुआ है। तो आप इन सभी वर्ड्स को याद रखेंगे, ये सभी वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले लिखे जाते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे टुडे, नाउ, देन, टुमारो, सून, ये सभी आमतौर पर वाक्य के लास्ट में लिखे जाते हैं, यानी सेंटेंस के अंत में लिखे जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम इन वर्ड्स का यूज स्टार्ट में करते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब हमें एडवर्ब ऑफ टाइम पर जोर देना हो, यानी जब हमें इन शब्दों पर जोर देना होता है तो हम इसे पहले यूज करते हैं। तो आमतौर पर एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में यूज किए जाते हैं, लेकिन जब इन पर फोकस करना हो, जोर देकर बोलना हो, तो आप इनका यूज शुरू में कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, यूजुअली, इन सभी का यूज मेन वर्ब के पहले किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेन वर्ब कम है और ऑलवेज का यूज मेन वर्ब के पहले हुआ है। यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा देर से आते हो। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हम मेन वर्ब के पहले करते हैं। लेकिन अगर आपके वाक्य में टू बी के रूप में इज आरम या वाजवर आए हुए हैं, यानी अगर आपका मेन वर्ब इज आरम है या वाजवर है, तो आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज इज आरम या वाजवर के बाद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह एडवर्ब का लेसन अच्छा से समझ में आया तो आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए, वह कभी कभी स्कूल में हल्ला करती है, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा? और आपको ये भी बताना है कि इसमें कितने एडवर्ब्स हैं। आंसर जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। फिर मिलते हैं एक नए लेसन में, तब तक के लिए बाय।